हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोग स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग लेकर आया हूं वेस्ट फेस हाउस प्लान, मतलब कि जो हमारा घर का मुख्य है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। और अगर बात करते हैं हमारे मकान की साइज की, तो 37 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है और 38 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 37 फीट। 37 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी मकान की लंबाई की, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 38 फीट है। 38 फीट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 37 × 38 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है। तो चलिए दोस्तों, इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले साउथ वेस्ट कॉर्नर पर यहाँ पर हमारा पार्किंग बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 9 इंच बाई 12 फीट है। 12 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा पार्किंग। पार्किंग के जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाज़ा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 17 फीट 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा हो गया डाइनिंग और लिविंग एरिया। अब डाइनिंग और लिविंग एरिया के यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन बाथरूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 7 इंच बाई 6 फीट है। 5 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन बाथरूम हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर निकल रहा है। कॉमन बाथरूम से वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाज़ा कॉमन WC आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 5 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन WC हो गया, जिसका 1-2 फीट का वेंटिलेशन दक्षिण दिशा के अंदर और 1-2 फीट का वेंटिलेशन सामने पार्किंग एरिया की तरफ निकल रहा है। कॉमन WC से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा घर का पहला बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 1 4 फीट की विंडो पार्किंग की तरफ और 1 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 7 इंच बाई 5 फीट 3 इंच। 5 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने निकल रहा है। अब इस अटैच टॉयलेट से वापस बाहर आते थे हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट है। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और अटैच टॉयलेट आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 3 इंच बाई 5 फीट है। 5 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच टॉयलेट हो गया, जिसका 1-2 फीट का वेंटिलेशन सामने और 1-2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। अब अटैच टॉयलेट वापस बाहर आते तो बेडरूम से वापस बाहर आते हैं, इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा पूजा रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 5 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक पूजा रूम हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन उत्तर दिशा के अंदर निकल रहा है। पूजा रूम से वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा किचन आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा किचन हो गया, जिसकी 1 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर और 1 4 फीट की विंडो हमारी पूर्व दिशा के अंदर पीछे निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट है। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 1 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास स्टेयरकेस बना हुआ है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का हमारे पास स्टेयरकेस का लैंडिंग है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पश्चिम दिशा, यहाँ पर पार्किंग, घर का मेन डोर, डाइनिंग और लिविंग एरिया, बेडरूम, अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट, पूजा रूम, किचन, बेडरूम, यहाँ पर स्टेयरकेस, कॉमन बाथरूम और कॉमन WC और यहाँ पर पार्किंग। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।